December 16, 2022 marks the 10th anniversary of the Nirbhaya rape case, a case that shook the nation. पर इस केस के बावजूद इंडिया में रेप होना कम नहीं हुआ. इनफैक्ट आज इंडिया में रेप इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन क्राइम. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में एवरी डे एवरेज ऑफ 86 रेप केसेस रजिस्टर किए जाते हैं. दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट. और शायद इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोग रेप का मतलब ही नहीं जानते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच डिफाइंस रेप. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375, अगर कोई मेल अपना पीनिस या कोई ऑब्जेक्ट या अपना माउथ किसी वुमन के माउथ पर लगाता है या वजाइना या यूरिथ्रा पर लगाता है अगेंस्ट हर विल यानी कि उसकी इच्छा के बिना एंड अगेंस्ट हर कंसेंट यानी कि उसकी सहमति के बिना, साथ ही अगर किसी वुमन की कंसेंट उसको इन द फियर ऑफ डेथ और हर्ट ऑब्टेन की जाए, इसके अलावा अगर उसे कोई नशीला पदार्थ खिला पिलाकर उसकी कंसेंट को ऑब्टेन किया जाए या फिर उसे ऐसा बिलीव दिलाकर ऑब्टेन की जाए कि जो व्यक्ति उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है वो उसका पति है, तो उस केस में भी इसे रेप कंसिडर किया जाएगा. साथ ही किसी 16 साल से कम की फीमेल की कंसेंट या उसकी कंसेंट के बिना भी उसके साथ सेक्स करना इज कंसिडर्ड रेप. इसके अलावा ऐसी कंडीशन में जहां कोई महिला अपनी कंसेंट दे ही नहीं सकती या अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट वाला केस, इसको भी रेप कंसिडर किया जाता है. यहां पर कंसेंट का मतलब है कि कोई महिला अपनी पूरी इच्छा प्रकट करे टू पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल एक्ट्स. साथ ही सेक्सुअल एक्ट्स के लिए फिजिकली रेजिस्ट ना करना कंसेंट नहीं समझा जाता है. यहां पर एक वॉलंटरी अग्रीमेंट बिटवीन बोथ द अडल्ट्स इज नेसेसरी.